दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का ऑडियो आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख WTO इंडिया रिजोल्यूट ऑन फूड सिक्योरिटी तथा इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख व्हाट इज द फूड स्टॉक पेलिंग इश्यू एट द WTO के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। WTO एवं भारत की खाद्य सुरक्षा। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का 11वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में आयोजित किया गया। अमेरिका द्वारा सार्वजनिक खाद्य भंडारण से संबंधित पीस क्लॉज हेतु स्थानीय समाधान तलाशने की अपनी प्रतिबद्धता से इनकार करने के कारण यह बैठक बिना किसी महत्वपूर्ण घोषणा के समाप्त हो गई। भारत लंबे समय से अपनी विशाल जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य भंडारण के स्थायी समाधान की मांग कर रहा था। अमेरिका का यह रवैया भारत जैसे विकासशील देश के लिए निश्चित तौर पर निराशाजनक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर क्या है यह खाद्य सुरक्षा का मुद्दा। भारत किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और गरीब उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर भोजन सुलभ कराने के लिए अनाज की खरीद करता है। इस पर दी जाने वाली सब्सिडी को विकसित देश WTO के नियमों का उल्लंघन बताकर विरोध करते रहे हैं। इस कारण भारत अपने सार्वजनिक खाद्य भंडारण नीतियों के सुरक्षा के लिए एक स्थायी समाधान के लिए लगा हुआ है। WTO और उससे जुड़े भारत के खाद्य सुरक्षा मुद्दे को समझने से पहले हम WTO की पृष्ठभूमि, उसकी कार्यप्रणाली तथा प्रशुल्क एवं गैर प्रशुल्क से जुड़े WTO के प्रावधानों पर गौर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि विकसित एवं विकासशील देशों के बीच गतिरोध किस प्रकार इन प्रावधानों से जुड़ा हुआ है। 164 सदस्यीय WTO विश्व के विभिन्न देशों के बीच व्यापार के संदर्भ में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। इसका गठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निगरानी एवं उसके उदारीकरण के लिए किया गया था। वर्ष 1947 में व्यापार संबंधित प्रशुल्क एवं गैर प्रशुल्क बाधाओं को कम करने के लिए गैट नामक एक समझौता किया गया था। इसी गैट को प्रतिस्थापित कर 1994 में WTO की स्थापना की गई। इसने 1995 से काम करना शुरू किया। इसके प्रावधानों ने व्यापार को नए क्षेत्रों जैसे सेवा, पूंजी, बौद्धिक संपदा, टेक्सटाइल एवं कृषि तक विस्तृत कर दिया जो पहले वस्तुओं तक ही सीमित था। WTO के उद्देश्य एवं कार्यों के अंतर्गत बिना किसी व्यवधान के एवं स्वतंत्र रूप से वैश्विक व्यापार के संचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रशुल्क एवं गैर प्रशुल्क अवरोधों को खत्म करना शामिल है। यह वैश्विक व्यापार के स्वरूप को गैर भेदभावकारी एवं व्यापार नीतियों में पारदर्शिता लाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सभी देशों को विश्व व्यापार के लाभों को सुनिश्चित कराता है। WTO सदस्य देशों के समझौता वार्ताओं एवं विवाद निपटारे के लिए फोरम भी प्रदान करता है। यह UNO से संबंधित नहीं है लेकिन UN, वर्ल्ड बैंक एवं IMF के साथ वैश्विक आर्थिक नीतियों के लिए सहयोग करता है। आइए अब हम देखते हैं कि प्रशुल्क एवं गैर प्रशुल्क अवरोध एवं कृषि पर समझौता क्या है। दरअसल सभी देश घरेलू उद्योगों का संरक्षण चाहते हैं एवं विदेशी प्रतिभागियों के प्रवेश को रोकते हैं। इसके लिए वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर दो प्रकार के अवरोधों का निर्माण करते हैं। पहले अवरोध के अंतर्गत प्रशुल्क अवरोध आते हैं। इसमें सरकार विदेशी उत्पादों पर भारी आयात शुल्क आरोपित करती है ताकि विदेशी प्रतिभागियों से घरेलू प्रतिभागियों की सुरक्षा हो सके। दूसरे अवरोध के अंतर्गत गैर प्रशुल्क अवरोध आते हैं। इसमें सरकार द्वारा घरेलू प्रतिभागियों को विदेशी प्रतिभागियों के ऊपर वरीयता दी जाती है तथा उन्हें सब्सिडी वगैरह प्रदान की जाती है। WTO के विभिन्न समझौतों के अंतर्गत इन्हीं गैर प्रशुल्कों में कमी लाने के लिए कई तरह के प्रावधान किए गए। गैर प्रशुल्क अवरोधों को दूर करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था के अंतर्गत कृषि और टेक्सटाइल को शामिल करने के लिए WTO द्वारा एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर यानी कृषि पर समझौता लाया गया। इसके अंतर्गत सब्सिडी में कमी एवं सुरक्षा आदि उपाय सम्मिलित हैं। AOA में कृषि के तीन विस्तृत क्षेत्रों के लिए प्रावधान दिए गए हैं। पहला प्रावधान बाजार पहुंच के लिए है। इसके अंतर्गत व्यापार प्रतिबंधों जैसे निर्यात पर टैरिफ आदि का प्रयोग किया जाता है। इसमें कृषि बाजार पहुंच शर्तों को ज्यादा पारदर्शी एवं प्रतियोगी बनाना तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के बीच कड़ी स्थापित करना शामिल है।
दूसरा प्रावधान निर्यात सब्सिडी से जुड़ा हुआ है। इसमें सदस्य देशों द्वारा निर्यात सब्सिडी में कमी लाने की प्रतिबद्धता से संबंधित प्रावधान हैं। तीसरा प्रावधान घरेलू सहायता से जुड़ा हुआ है। इसमें देशों के वे सब्सिडी एवं सहायता कार्यक्रम आते हैं जिनके प्रयोग से उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है। इनमें से कुछ व्यापार को विकृत करने की क्षमता भी रखते हैं। कृषकों को प्रदान की जाने वाली इन सब्सिडियों को बॉक्स के रूप में जाना जाता है एवं इन्हें तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है ग्रीन बॉक्स, जिसके अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी सामान्यतः व्यापार विकृति पैदा नहीं करती या फिर न्यूनतम विकृति उत्पन्न करती है। इसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, स्थानीय विकास कार्यक्रमों, अनुसंधान, आपदा राहत इत्यादि हेतु सरकार द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सहायता को शामिल किया जाता है, जिन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता। दूसरा है ब्लू बॉक्स, इसमें उस आर्थिक सहायता को शामिल किया जाता है जो कृषकों को उत्पादों के उत्पादन में मात्रात्मक कमी के लिए सरकार द्वारा दी जाती है। ये व्यापार विकृति में कमी लाने के लिए तैयार की जाती हैं। तीसरा है अम्बर बॉक्स, जिसके अंतर्गत ब्लू एवं ग्रीन बॉक्स के अलावा वे सभी सब्सिडीज आती हैं जो कृषि उत्पादन एवं व्यापार को विकृत करती हैं। इस सब्सिडी में सरकार द्वारा कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP का निर्धारण तथा कृषि उत्पादों की मात्रा के आधार पर प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता आदि को शामिल किया जाता है। फर्टिलाइजर, बीज, विद्युत एवं सिंचाई पर दी जाने वाली ऐसी सब्सिडीज व्यापार संतुलन को विकृत करती हैं। ये अत्यधिक उत्पादन को प्रोत्साहित करती हैं तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अपेक्षा देश के उत्पादों को सस्ता बनाती हैं। इनमें कमी लाना जरूरी है, जिसके लिए विभिन्न प्रतिबद्धताएं तय की गई हैं। इसी अम्बर बॉक्स सब्सिडी को एग्रीमेंट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट भी कहा जाता है। वर्तमान में कटौती प्रतिबद्धताएं टोटल एग्रीमेंट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट पर आधारित है। WTO का कृषि से संबंधित विवादित मुद्दा मुख्यतः इसी अम्बर बॉक्स सब्सिडी के डी मिनिमस लिमिट से संबंधित है। चलिए देखते हैं कि क्या है डी मिनिमस लिमिट्स और उससे जुड़ा गतिरोध। कृषि पर समझौते के अनुसार सदस्य देशों को उनके अम्बर बॉक्स सब्सिडी की सीमा डी मिनिमस लेवल के अंदर ही रखना होता है। यह सीमा 1986 से 88 आधार वर्ष के उनके कुल उत्पादन मूल्य का 5% विकसित देशों के लिए एवं 10% विकासशील देशों के लिए निर्धारित है। इस संदर्भ में विकासशील देशों का कहना है कि इस कृषि सब्सिडी का हिसाब गलत तरीके से किया गया है। इसकी गणना 1986 से 88 की कीमतों के आधार पर की जाती है। 1986 में USA का कृषि उत्पादन भारत से कहीं ज्यादा था, इसलिए उनका 5% कोटा भी हमारे 10% कोटे से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। अतः भारत इस आधार वर्ष एवं सब्सिडी सीमा का विरोध करता आया है। यदि वर्तमान कीमतों या लागत के आधार पर आकलन हो तो यह सब्सिडी वास्तव में बहुत कम रह जाएगी। इसलिए भारत वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मूल्य को दर्शाने के लिए सब्सिडी गणना कार्य प्रणाली को लाना चाहता है। इसे लेकर भारत की चिंता है कि WTO का सब्सिडी सीमा प्रावधान भारत में गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम और कृषकों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के कार्यान्वयन को असंभव बना देगा, क्योंकि इनको पूरी तरह लागू करने पर 10% की सीमा के उल्लंघन की आशंका है। ऐसा होने पर WTO का कोई भी सदस्य यदि भारत के खिलाफ शिकायत करता है तो भारत पर भारी जुर्माना लग सकता है। इन्हीं चिंताओं के मद्देनजर अमेरिका के साथ 2013 में कृषि पर भारत के समझौते के बाद बाली में हुए नवे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में AOA के लिए एक पीस क्लॉज लाया गया। पीस क्लॉज के प्रावधानों के अंतर्गत अगर किसी विकासशील देश द्वारा उसके लोक भंडारण कार्यक्रम या खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए प्रदान की जाने वाली सब्सिडी की सीमा 10% को पार कर जाती है तो कोई भी सदस्य देश उसे WTO के विवाद निपटारा तंत्र में चुनौती नहीं दे सकता। साथ ही दिसंबर 2017 के WTO के 11वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन तक इस पीस क्लॉज का कोई स्थायी समाधान निकाल लेना था। तब तक विकासशील देशों हेतु कृषि समझौते के सब्सिडी वाले प्रावधान को स्थगित रखा जाना था। अब भारत इसलिए चिंतित है कि पीस क्लॉज के बाद क्या होगा। भारत को इस बात की आशंका है कि बिना किसी स्थायी समाधान के प्रभाव में आए अगर इस पीस क्लॉज की समय सीमा खत्म हो गई तो खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम एवं किसानों की सुरक्षा से संबंधित नीतियां जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य इत्यादि असुरक्षित हो जाएंगी।
चूंकि फरवरी 2017 में WTO द्वारा अमेरिका के चीन के गेहूं, चावल और कपास के न्यूनतम मूल्य संबंधित आपत्ति के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया था, इसलिए अब भारत को डर है कि उसके स्वयं के कृषि सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की सीमा बांध दी गई तो किसानों के हितों के साथ साथ खाद्य सुरक्षा का भी भविष्य अधर में लटक जाएगा। कृषि सब्सिडी की वैश्विक स्थिति के संदर्भ में हम देखते हैं कि अमेरिका, यूरोपीय संघ एवं कनाडा सहित अन्य विकसित देशों द्वारा 1995 से ही उनके किसानों को व्यापार विकृति लाने वाली सब्सिडी दी जा रही है। ये सब्सिडी विकासशील देशों के लिए तय की गई सीमा से बहुत ज्यादा है। इस मसले पर भारत सहित अन्य विकासशील देशों का कहना है कि फार्म सब्सिडी तय सीमा से अधिक नहीं दी जानी चाहिए। यद्यपि विकासशील देशों में कृषि उत्पादों पर प्रशुल्क बहुत ज्यादा है एवं भारत अपने बाजार को मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध भी है, परंतु जब तक विकसित देशों में भारी मात्रा में प्रत्यक्ष सब्सिडी दी जा रही है तब तक ज्यादा प्रशुल्क रखना जायज है। इस संबंध में WTO का तर्क है कि यदि देश अपने सुरक्षित अन्न भंडार की सीमा कम या खत्म कर देते हैं तो इससे विश्व व्यापार उस दिशा की ओर मुड़ जाएगा जहां मांग अधिक होगी, किसानों को विनियमित बाजारों से लाभ होगा और उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलेगा। बाजार की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के कारण उपभोक्ताओं को भी सस्ते मूल्य पर खाद्य सामग्रियां प्राप्त होंगी। आइए अब देखते हैं कि 11वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का क्या परिणाम निकला एवं भारत की आगे की रणनीति क्या होगी। 11वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में अमेरिका द्वारा खाद्य भंडारण के मुद्दे पर स्थायी समाधान निकालने से इनकार करने पर वार्ता एक अंतहीन मोड़ पर आकर रुक गई। इस सम्मेलन में अमेरिका ने उच्च GDP वाले देशों के साथ विशेष एवं विभेदीकृत व्यवहार अपनाने का मुद्दा भी उठाया। भारत का जोर खाद्य सब्सिडी अंतराल के फॉर्मूले में संशोधन पर रहा तथा विकसित देशों द्वारा दिए जा रहे फार्म सब्सिडी में कमी के लिए दबाव भी बनाया गया। इस सम्मेलन में कोई समझौता नहीं हुआ एवं यह तय हुआ कि पीस क्लॉज के लिए स्थायी समाधान ढूंढने का मौजूदा अधिदेश आगे भी जारी रहेगा। इस संबंध में भारत का कहना है कि इस विफलता के कारण वैश्विक कारोबार को लेकर दुनिया की सबसे बड़ी और नियामक संस्था की विश्वसनीयता और सार्थकता को लेकर सवाल उठेंगे। भारत चाहता है कि विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा के लिए मौजूदा और भावी कार्यक्रमों को खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक भंडारण के मसले के स्थायी समाधान में शामिल किया जाए। इस संदर्भ में भारत, चीन तथा अफ्रीका के देश, अमेरिका एवं यूरोपीय संघ द्वारा कृषि के नाम पर दी जाने वाली भारी भरकम राज सहायता को खत्म करने की मांग कर रहे हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दूसरे देशों के उत्पाद और उत्पादन टिक पाएं। भारत इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाने के लिए दूसरे देशों के साथ भी गठजोड़ करेगा। इस संबंध में कुछ WTO सदस्यों की मिनी मिनिस्ट्रियल मीटिंग फरवरी 2018 में बुलाने की बात हो रही है ताकि एक समान विचार एवं समान हित वाले देश एक साथ आ सकें। भारत G33 ग्रुप के साथ सहयोग से खाद्य सुरक्षा मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए प्रयासरत है। खाद्य सुरक्षा के समाधान की बात करते हुए हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि कुछ देश विकास की प्रक्रिया में पीछे छूट गए हैं। साथ ही वर्तमान के कई विकसित देश लंबे समय से कृषि क्षेत्र में व्यापार नियमों द्वारा लाभान्वित रहे हैं। हम जानते हैं कि न तो सभी देशों की व्यावसायिक क्षमताएं एक जैसी होती हैं और न उनके हित समान होते हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के शीर्ष संस्था WTO में कृषि सब्सिडी को लेकर अंतर्विरोध आते रहते हैं। साथ ही विशेष एवं वरीयतापूर्ण व्यवहार WTO का एक महत्वपूर्ण अवयव है जो भारत जैसे विकासशील देश को उसके मांगों के लिए वैध आवेदक बनाता है। इसलिए विश्व समुदाय को यह महसूस करना होगा कि खाद्य सुरक्षा का केवल आर्थिक महत्व नहीं है बल्कि यह भारत जैसे विकासशील कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाओं में बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक विषय भी है। अतः WTO में चल रही समझौता वार्ताओं में इस नजरिए को सामने रखा जाना चाहिए एवं वैश्विक समुदाय के सामूहिक प्रतिबद्धता द्वारा इस मुद्दे के सफल समाधान की कोशिश करनी चाहिए। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। WTO के बातचीत का आधार भुखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा की प्राप्ति, पोषण स्तर में सुधार एवं सतत कृषि को प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए। यह कथन WTO के कृषि प्रावधानों एवं विकसित देशों के रवैये से किस हद तक विसंगति रखता है, इस संबंध में भारत के मत की पुष्टि के लिए
तर्क प्रस्तुत कीजिए।